So, क्या हाल है दोस्तों, हमने चैनल का नाम चेंज कर लिया है। वेलकम बैक टू वेनम स्टैक। पहले वेनम टेक एंड गेमिंग था, अब वेनम स्टैक कर दिया है क्योंकि हम गेमिंग का कुछ थोड़ा सीन सेपरेट करने वाले हैं। लाइक पूरा प्रॉपर नहीं, गेमिंग न्यूज आपको इसी चैनल पे मिलेगी, बट कोई लाइव स्ट्रीम या कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं इस चैनल पे करता था, कोई हाइलाइट्स या कुछ, वो उसके लिए सेपरेट चैनल बनाया। तो इसी चैनल में फीचर्ड में मेरे नाम से चैनल मिल जाएगा, शिवम अरोड़ा नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब करो, फिर हम उस पर भी एक्टिव रहेंगे। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे ट्रांसफॉर्मर के कीबोर्ड का। और तुमने थंबनेल में दो कीबोर्ड और देखे होंगे, एंटी स्पोर्ट्स वाला और एक ज़ेब्रोनिक्स वॉर। वो थंबनेल में इसलिए डाले हैं बिकॉज हम उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे इस कीबोर्ड का, क्योंकि इस रेंज में यही तीन कीबोर्ड्स आते हैं, मतलब विद माउस वाला कॉम्बो भी आता है, सेपरेट भी आते हैं, ज़ेब्रोनिक्स वॉर, ट्रांसफॉर्मर के और एंटी स्पोर्ट्स का KM500W। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, पहले करते हैं इसका रिव्यू, फिर करेंगे कंपैरिजन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस कुछ ऐसा बॉक्स आता है हमारा, यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर के लिखा है, प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड और यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह और रुपी साइन वाली की मिल जाएगी इसके अंदर, और बाकी कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं वो सब हम खोल के चेकआउट करेंगे अभी। और यहाँ पे इसके एमआरपी मेंशन है 1549, बट एक्चुअली जो इसका प्राइस रहता है वो 1100-1200 तक रहता है। ये सेपरेट कीबोर्ड है, ये कॉम्बो वाला नहीं है, बट कॉम्बो के अंदर भी आपको सेम कीबोर्ड मिलता है एक माउस के साथ। तो कर लेते हैं इसको अनबॉक्स फटाफट से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, साथ में कुछ थर्माकोल कुशन्स वगैरह जिससे टूटे ना, और यहाँ पे आपको कुछ मिलता है पेपर वर्क, एक इसकी मैनुअल देखने के लिए मिलती है और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड देखने के मिलते हैं, डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, मतलब अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये दिन आ गए क्या हमारे। तो कुछ ऐसे पॉलिथिन में आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो क्या बढ़िया फिनिशिंग है इस कीबोर्ड की। और सबसे अच्छी चीज जो है इसके अंदर, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मेटल का है, ये पूरा मेटालिक है, ठंडा ठंडा लग रहा है बिकॉज सर्दियां चल रही है। और पीछे यहाँ पे इसका मॉडल वगैरह मेंशन है, और यहाँ पे इसके एलिवेशन क्लिप्स हैं, एक ये छोटे वाला है और एक ये बड़े वाला है, तो ये आप चेंज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये भी एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, ऑब्वियसली जिस प्राइस रेंज में आता है 1200-1200 में आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही देखने के मिलते हैं, बट जो कीज का एलिवेशन है वो काफी अच्छा है गेमिंग कीबोर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कीबोर्ड एलिवेटेड है नीचे से लेके ऊपर तक, तो गेमिंग में आपको काफी अच्छी फील प्रोवाइड कर देता है। और ओवरऑल बिल्ड की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत स्टर्डी है, अगर ज़ेब्रोनिक्स वॉर की बात करते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी कहूंगा। इसको आप कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी लाइटिंग वगैरह कैसी है, और फिर लाइट अप बंद करके सिनेमैटिक शॉट्स तो जरूर दिखाएंगे आपको। और अगर इसकी वायर क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई इसकी ब्रेडेड वायर है और वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो आगे का यूएसबी पोर्ट है वो गोल्ड प्लेटेड है, इसके बॉक्स पे भी मेंशन है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। सो गाइस ये कर लिया हमने कनेक्ट, तो आप यहां देख सकते हो लाइट की से इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं, ये ऑफ हो गया और उसके बाद इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हो। ये प्योर आरजीबी कीबोर्ड नहीं है, ये बैकलिट कीबोर्ड है, इसके अंदर जोन्स में आपकी लाइट्स हैं, यहां पे जैसे यहां पे आप देख सकते हो ब्लू है, फिर यहां पे येलो है और यहां पे पर्पल है, और अगर हम चेंज करेंगे इसको तो फिर वो उसके जोन चेंज हो जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर जोन में 3-4 लाइट्स होती हैं और उसी हिसाब से वो चेंज होती हैं। और हम फंक्शन की और लाइट की को दोनों को साथ प्रेस करते हैं तो फिर ये आपका ब्रीदिंग इफेक्ट में जलना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये लाइट्स अपने आप चेंज हो रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो करते हैं पीसी से कनेक्ट, दिखाते हैं इसकी लाइट्स कैसी लगती है अंधेरे में, कैसी कीज के अंदर इसकी लाइट्स दिखती है नहीं दिखती, क्योंकि अभी तो बहुत रोशनी है यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आएगी। तो करते हैं लाइट्स बंद। सो गाइस अब हम ले आए हैं ज़ेब्रोनिक्स वॉर और एंटी स्पोर्ट्स का KM500W, आप इसके साथ इसका करते हैं कंपैरिजन, बिल्ड क्वालिटी का, कीज का, लाइट्स का, सब चीज होगा। सो गाइस ऑलमोस्ट मैं पूरा तीनों कीबोर्ड को फ्रेम में लाने की कोशिश कर चुका हूं और इतना ही स्पेस है हमारे पास। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर, ये एंटी स्पोर्ट्स वाला और ये ज़ेब्रोनिक्स वॉर। तो आप देख सकते हो तीनों बैकलिट कीबोर्ड है, जोन वाली लाइट्स है इसके अंदर और कोई भी आरजीबी नहीं है। और सिनेमैटिक शॉट्स में आपने इसकी कीबोर्ड की देख लिया होगा कि जो लाइट्स हैं सिर्फ अंदर हैं और कीज में आपको लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती। सिमिलरली ज़ेब्रोनिक्स वॉर के अंदर भी यही चीज है, यहाँ पे भी आपको कीज में लाइट्स देखने के लिए मिलती है, सिर्फ अंदर लाइट्स हैं। और ये चीज एंटी स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी है कि आपको यहाँ पे कीज में भी लाइट देखने को मिलती है, तो अगर आप अंधेरे में भी गेमिंग कर रहे हो तो कीज आप आराम से देख सकते हो, और ये बेनिफिट आपको इन दोनों में देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ज़ेब्रोनिक्स वॉर और ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर के की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एंटी स्पोर्ट्स। एंटी स्पोर्ट्स थोड़ा सा लाइट वेट है बट यूज करने में बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली इसको यूज कर चुका हूँ, अराउंड 6 मंथ्स मैंने इसको यूज किया है
तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसने प्रोवाइड किया मेरे को, कोई इतना बेकार कीबोर्ड नहीं है। बाकी जितनी भी आइटम्स मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ इनके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। फिर एक प्लस पॉइंट जो आपको एंड स्पोर्ट्स में देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आपको रिस्ट रेस्ट, और यहाँ पे रिस्ट रेस्ट है आपका तो आराम से गेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इसके अंदर भी है बट इतना ज्यादा नहीं है, मतलब आप ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मतलब ठीक मिलता है। बट ज़ेब्रोनिक्स वॉर की बात करें तो वॉर के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल एक फ्लैट कीबोर्ड की तरह है ये, तो इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहा मतलब अगर इनसे कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी वैसे कीबोर्ड ये भी अच्छा है। ज़ेब्रोनिक्स वॉर की भी अनबॉक्सिंग है चैनल पे, बट वो चार आइटम्स एक ही वीडियो में अनबॉक्स करी थी, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, बाकी थंबनेल भी आ जाएगा आपके सामने कहीं, तो उसके अंदर इसकी अनबॉक्सिंग है। बाकी एंड स्पोर्ट्स वाले की भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर अगर आपको प्योर लाइट है वाइट है और पूरा अनबॉक्सिंग के साथ वीडियो का एंजॉयमेंट लेना है तो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो कुछ ऐसा फर्क नहीं है, तीनों आपको यूज करने में सेम एक्सपीरियंस देंगे, की टैप्स भी सबके सेम है। अगर वायर क्वालिटी की बात करें तो ज़ेब्रोनिक्स वॉर और ट्रांसफॉर्मर के की जो वायर है वो ब्रेडेड वाली है, और जो एंटी स्पोर्ट वाले की वायर है ये रबर की मिलती है। तो एंटी स्पोर्ट वाले में बस वायर क्वालिटी का मुझे लगता है कि वायर क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि जिस कॉम्बो में आता है ये माउस के साथ, माउस की वायर है वो ब्रेडेड है बट कीबोर्ड की नहीं है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, ट्रांसफॉर्मर के की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपने देख लिया, कंपैरिजन आपने देख लिया, कोई चीज मिस हो गई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो इन सारी आइटम्स के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, अगर बाय करनी हो तो वो लिंक आप यूज कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।